जब आप बारागंबा रोड से बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर एक हेली लेन पड़ेगा। हेली लेन से आप सीधा बाई वॉकिंग जाना पड़ेगा, या तो आप अगर मेट्रो से आ रहे हैं तो आपको वॉकिंग करके जाना पड़ेगा, या आप ऑटो कर सकते हैं जो आपको अग्रसेन की बावली तक छोड़ सकता है। और आज हम घूमने आए हैं अग्रसेन की बावली, जिसे उग्रसेन की बावली के भी नाम से जाना जाता है। और इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं। लोग कहते हैं कि हॉन्टेड है, तो इसकी जो एंट्री है वो 5:30 बजे नहीं होती है। और इसके बहुत सारी कहानियां हैं, लाइक यहाँ पर खूनी कुआं के भी नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही पुराना स्टेप फॉल्स है। बेसिकली ये एक कुएं की तरीके है जिसमें बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, तो इसके चारों तरफ आपको देखने को मिलेगा। छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, बट अभी क्या है कि ये इसे संरक्षित स्मारक के रूप में अब बना दिया गया। लोग यहाँ पर सिर्फ घूमने आते हैं, सिर्फ डेज में आ सकते हैं, नाइट में बंद हो जाता है, क्योंकि ये हॉन्टेड होने की वजह से इसे रात में नहीं विजिट कर सकते हैं। तो इसके पीछे क्या कहानियाँ हैं और क्या क्या यहाँ देखने लायक है, तो हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे, देखेंगे और यहाँ पर क्या उसके पीछे कहानियाँ हैं। अगर हम बात करें किसे किसने बनवाया था, तो ये अग्रसेन, महाराजा अग्रसेन ने इसे बनवाया था 1500 में। और इसके जो ये तुगलक टाइम पे बना हुआ, जो तुगलक डेस्टिनी से हमारे दिल्ली की जो तुगलक वंश था हमारा, उस समय महाराज अग्रसेन ने इसे बनवाया था। इसका टोटल कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं है कि ये किस सन में बना था, बट जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मैंने जाना, तो 15वीं शताब्दी में बना हुआ था। बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत स्टेप वॉल्स है। दिल्ली में बहुत सारी स्टेप वॉल्स बावली हैं, लेकिन सबसे बड़ी बावली जो है वो अग्रसेन की बावली है। तो चलिए डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या है। अग्रसेन के बावली में एंट्री कर लिया है, तो जैसे हम एंट्री करते हैं तो आप दाहिने साइड में देखेंगे कि एक मस्जिद हुई है, जो शायद मेरे पीछे ही जस्ट है। ये मस्जिद के अभी खंडहर बचे हैं और ज़्यादा कुछ नहीं है, लोग सिर्फ फ़ोटो क्लिक करवाते हैं। और देखने के लिए अच्छी जगह है। और अग्रसेन के बावली में सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, अग्रसेन की बावली है मेन जो देखने लायक चीज़ है, वो अग्रसेन की बावली, दूसरी है मस्जिद जो कि सिर्फ खंडहर बचा है, कुछ खास नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि अग्रसेन की बावली कैसी दिखती है, क्या है उसमें और क्या क्या चीज़ें देखने के लिए हैं, तो मैं आप अच्छे से सारी चीज़ें समझाता हूँ। तो अभी हमने इस गेट से एंट्री की है, जहाँ से आप देख ले रहे हैं कि लोग आ रहे हैं अग्रसेन की बावली को देखने के लिए। और आप जैसा देख सकते हैं कि जैसे ही आप एंट्री करते हैं, वैसे ही दाएं हाथ में आपके पड़ता है, राइट हैंड में, ये मस्जिद जो कि काफ़ी टूटी फूटी है। बट यहाँ पर लोग जब भी यहाँ अग्रसेन की बावली देखने को आते हैं तो यहाँ पर ज़रूर विजिट करते हैं। और उसके जैसे ही आप एंट्री करते हैं, उसके जस्ट लेफ़्ट साइड में खूबसूरत बावली पड़ती है, अग्रसेन की बावली, जो कि अपने बहुत सारे इवेंट्स के लिए फेमस है, हॉन्टेड है, कुछ लोग हॉन्टेड मानते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है, उनमें से एक की बात करें तो आमिर खान की पीके, जो आपने देखी होगी। और क्यों ये फेमस है, आप जैसा नीचे देख रहे होंगे कि बहुत सारे ये कमरे चारों तरफ बने हैं और ये बहुत ही गहरी बावली है। दिल्ली में बहुत सारी बावली है, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो उनमें एक है लाल किला की बावली है और ओल्ड फोर्ट में भी बावली हैं। उन सारी की वीडियोज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जब मैं वहां जाऊंगा और आपके लिए नई नई वीडियोज़ लाऊंगा ऐसे ही। तो आज जैसा कि हम आए हैं और इस बावली को देखने हम आए हैं, जैसा आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत बावली है, बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है ये। और ये ASI ने इसे संरक्षित किया हुआ है, एक संरक्षित स्मारक है जहाँ पर ASI इसका अपनी पूरी कमांड रखती है। बहुत सारी मूवीज़ की यहाँ पर शूटिंग भी होती है, तो आप देख सकते हैं यहाँ टोटल जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं वो 108 सीढ़ियाँ हुई हैं, जो नीचे जा रही हैं, जहाँ पर पानी भरा हुआ है और कुआं है। कुएं के चारों तरफ, इस बावली के चारों तरफ आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। तो इन कमरों को आइए हम देखते हैं क्या है उसके अंदर और सब कुछ आपको दिखाते हैं। तो चलिए धीरे धीरे
अभी एक सीढ़ी से लेकर के 108 सीढ़ियाँ मैं आपके साथ चलता हूँ और दिखाता हूँ क्या क्या वहाँ देखने लायक है। लोग यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ आते हैं क्योंकि ये लोकेटेड है बिल्कुल दिल्ली के सबसे खास लोकेशन में, सेंट्रल दिल्ली में। तो अभी अप्रॉक्स 20-25 सीढ़ियाँ और बची हुई हैं तो और चलते हैं हम जहाँ पर नीचे कुआँ है। लोग यहाँ पर आते हैं, फ़ोटोज़ खिंचाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे हम आ गए सबसे लास्ट सीढ़ी में और यहाँ पर कुआँ है और ये काफ़ी गहरा है तो यहाँ पर सबसे लास्ट में ही पानी भरा रहता है। तो ये देख सकते हैं कि कुआं है जो इसका मेन सोर्स है, यहाँ पर पानी भरा होता है और लोग ये जो सीढ़ियाँ बनी हुई है धीरे धीरे, जो ऐसा कि आप देख सकते हैं कि जो सीढ़ियाँ बहुत सारी हैं तो ये पानी धीरे धीरे जब बारिश होता है, जब पानी आता है तो ये सीधा ऊपर चढ़ता हुआ चला जाता है। जैसे जैसे पानी कम होता है वैसे वैसे सीढ़ियों में पानी नीचे आता चला जाता है और यहाँ पर लोग आराम से आते हुए। कुआं के पीछे एक लॉकर लगा है जो जहाँ से मेन पानी आता है तो ये बंद है क्योंकि यहाँ से कोई अंदर नीचे नहीं जा सकता है। यहाँ भी पानी है, इसके सबसे लास्ट सीढ़ी है, इसके बाद देखेंगे आप ऊपर, मैं आपको दिखाता हूँ। कुएं के ऊपर जो आप देख सकते हैं कितना भयानक सा बना हुआ है, ये जब सबसे फर्स्ट सीढ़ी में पानी भर जाता है तो यहाँ तक पानी पूरा ऊपर भर जाता है। चलिए वापस चलते हैं। हमने नीचे सीढ़ियाँ देख ली, कुआँ देख ली, अब आके मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ जहाँ से कुआँ ज़्यादा आसान अच्छे तरीके से दिखेगा। तो ये बावली का कुएं का हमारा जो फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि चारों तरफ रुकने का जगह है, यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ से लोग यहाँ पर आते हैं और फ़ोटो क्लिक करवाते हैं, देखते हैं। तो ये हमारा मेन जो कुआं है वो ऐसा दिखता है और ये कुएं का फर्स्ट फ्लोर है, इसके साथ ही ये बहुत सारे फ्लोर्स बने हुए, लगभग 4 या 5 या फर्स्ट हैं, ये रहा सेकेंड, ये रहा थर्ड और फिर इसके बाद लास्ट है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि स्टेप वॉल्स कैसी दिखती हैं हमारी, जे वहाँ से हम लोग एंट्री करते हैं, सारे लोग एंट्री करते हैं और यहाँ से फिर नीचे 108 सीढ़ियाँ उतर करके फिर ये जो आते हैं यहाँ पर जो सबसे लास्ट में जो सीढ़ियाँ हैं यहाँ से फिर हमारा कुआँ स्टार्ट होता है। तो ये है होल अग्रसेन की बावली। तो आपने देखा अग्रसेन की बावली, ये काफ़ी हिस्टोरिकल है, जैसा कि आपने चारों तरफ देखा कि इसमें वॉल्स हैं, बहुत सारी सीढ़ियां हैं, लगभग 108 सीढ़ियां हैं, चारों तरफ कमरे हैं, मेन कुआं है, वहां पर जब पानी बढ़ता है तो पानी ऊपर चढ़ता है, जैसे जैसे पानी बढ़ता है वैसे वैसे सीढ़ियों में आगे बढ़ता हुआ चला जाता है और ये टॉप फ्लोर पर पहुँच जाता है जैसे। लेकिन अभी इतनी ना बारिश हो रही है और यहाँ पर ये बेसिकली यहाँ पर जो पानी आता था वो यमुना नदी से आता था, तो अभी ना बारिश आ रहा है ना बारिश हो पा रही इतनी, और जब बारिश होता है तो यह थोड़ा बहुत एक फ्लोर तक भर जाता है, लेकिन अभी जो इसका मेन पानी आने का ऑप्शन था वो था यमुना नदी,
जो पुराने टाइम पे लगभग अग्रसेन के टाइम पे और पांडवों के टाइम पे अग्रसेन की बावली थी और वहाँ से पानी आता था यमुना नदी पे। तो पीछे आपने देखा कि लास्ट में एक जो लॉक लगा था, दरवाज़ा लगा था, तो वो मेन पानी आने का रास्ता था। वहाँ पीछे नालियाँ और स्रोत है वहाँ पर, तो वो पानी वहाँ से आता था। लोग यहाँ पर नहाते थे जो भी उनके तो लोग थे और इन्जॉय करते थे। बेसिकली उनके लिए नहाने के लिए और ऐसे ही अपना टाइम स्पेंड करने के लिए एक प्लेस था। अभी ये लोग तो अभी जैसे बंद हुआ है, तो अभी ये तो संरक्षित स्मारक हो गई है। लोग यहाँ पर घूमने के लिए, दिल्ली का सबसे बेस्ट प्लेस है। अगर हॉन्टेड प्लेस की बात करें तो नंबर वन पे ये होता है। अगर सेंट्रल दिल्ली में घूमने लायक कोई हिस्टोरिकल प्लेस है तो अग्रसेन की बावली होती है। वहाँ पर हम लोग आते हैं और एक देख सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बाय बाय।